हमने बादल के विषय में जाना कि बादल क्या होता है, कहाँ होता है, किस रंग का होता है, उसके माता पिता कौन है और उसके माता पिता का स्वभाव कैसा है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि उसने कहा कि मेरी माँ भी तीखे और तेज स्वभाव की है। तो जो किरण है उसको भी तीखा और तेज स्वभाव का क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी जो रोशनी होती है वो गर्मी के दिनों में बहुत चुभती है, तो उसे भी इसलिए तीखे स्वभाव का कहा जा रहा है। किंतु मैं शीतल स्वभाव का हूं ना मैं अच्छा पुत्र। तो वही कहते हैं कि मैं अच्छा हूं ना, मैं अच्छे स्वभाव का हूं, मैं बहुत शीतल यानी ठंडक प्रदान करता हूं। तो इसलिए बादल अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं बहुत शीतलता प्रदान करता हूं। मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूं और वर्षा के रूप में जल कणों को धरती पर उड़ेल देता हूं। तो वो बता रहे हैं कि उनका किस प्रकार से जन्म होता है। तो वो बता रहे हैं कि मैं भाप के द्वारा, जब तेज धूप आती है तो मैं भाप के द्वारा पहले ऊपर जाता हूँ और उसके बाद वर्षा के रूप में, जल कणों के रूप में धरती पर आकर आप लोग के ऊपर जल गिरा देता हूँ, उड़ेल देता हूँ। मैं परोपकारी जीव हूँ, मुझे सभी प्राणियों के सुख की चिंता लगे रहती है। तो मैं क्या हूँ, सबका परोपकार करता हूँ, अच्छा करता हूँ। मुझे सभी मनुष्यों की चिंता रहती है कि वो सुख से रहें, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। किसानों की मुझे विशेष चिंता रहती है। किसान मेरा सच्चा मित्र है, वह मुझे आता देखकर फूला नहीं समाता है। मुझे देखते ही वह खुशी से नाच उठता है। तो किसान जो है उनके लिए वो विशेष तरह से परोपकार करते हैं। कैसे कि उनको जिस समय फसल लगाना होता है तो वर्षा की आवश्यकता होती है, बारिश की जरूरत होती है, तो बादल क्या करते हैं उस समय उनके ऊपर जल बरसाते हैं। तो किसान उनके सबसे उनसे आने से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको उस समय जल की आवश्यकता होती है और बादल क्या करते हैं उनको वही जल प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं और खूब नाचते गाते हैं जब बादल घिर आते हैं और वर्षा होती है। तो यह मैं ही हूं जो नदियों, तालाबों, पोखरों को जल से भरता हूँ। और ये भी बता रहे बादल कि मैं क्या करता हूँ, नदियों को, तालाबों को और पोखरों को, जहां भी जल चाहिए होता है, जल के संग्रह की जरूरत होती है, जल जमा करना होता है, इकट्ठा करना होता है, तो वहां मैं ही अपना जल बरसाता हूँ। झरनों की शोभा को भी मैं ही बढ़ाता हूँ। और जो झरने हैं उसमें जब बादल का जल गिरता है, बारिश गिरती है, तो उससे ही वो झरने और अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। जब पानी उसमें ज्यादा गिरता है झरनों से, तो वो और अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। बागों के वृक्ष को मैं ही फलों से ला देता हूँ। और कह रहे हैं कि जब बारिश गिरता है, बादल कह रहे हैं अपने विषय में कि जब बारिश गिरता है तभी जो पेड़ पौधे हैं वो फलों और फूलों से लद जाते हैं, पूरी तरह फल और फूल उनमें लग जाते हैं। मैं रेगिस्तान को उपवन में बदल सकता हूँ। और ये भी सच है कि वो रेगिस्तान को भी उपवन में बदल सकते हैं। जो सूखा जमीन है, बंजर जमीन है, जो रेगिस्तान है, उसको भी वो सुंदर वन के समान, सुंदर जंगल, सुंदर सूर्य, सुंदर फूल खिला सकते हैं उस जगह पर। मेरे रूप पर रीझ कर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना कर डाली है। और बादल अपने विषय में बताते हैं कि जो मेरे सौंदर्य है, मेरी सुंदरता है, उससे कई कवि लोग मोहित होकर अनेक कविताएं बना चुके हैं, रच चुके हैं, अनेक कविताएं लिख चुके हैं। मैं जो जल कण धरती पर उड़ेलता हूँ, उन्हें वर्षा रानी की उपाधि भी उन्होंने ही दी है। और जो मैं जल कण आसमान से नीचे गिराता हूँ, तो उसको भी क्या है, वर्षा रानी, मतलब मुझे वर्षा रानी की जो उपाधि भी दी गई है, नाम दिया गया है, वो भी इन्हीं कवियों ने दी है। तो आज के अभ्यास में, आज के पाठ में हमने यही पढ़ा कि वर्षा का क्या क्या महत्व है, वो बारिश जो बादल से गिरता है वो किस किस रूप में प्रयोग होता है, किस किस की सहायता करता है, इस विषय में इस खंड में दिया गया था। तो आज हमने इसके विषय में पढ़ा। तो आगे का अगले कक्षा में।